आ गए हैं वापसी पार्किंग में, और अब मेरा कोई चाहत नहीं है मुझे कि मैं भैया को गुस्सा दिलाऊं। ठीक है, तो अपन कोशिश करते हैं कि ना हो ऐसा, ना मैं पीछे छूटू ना कुछ हो, अपन चुपचाप निकले ज्यादा सही रहेगा। अब हम अपनी राइड स्टार्ट कर रहे हैं। 180 किलोमीटर यहाँ से पोखरा है, अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, और हमने सिर्फ वो कप में वो नूडल्स खाए हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं खा रहा। करते हैं खाते हैं कुछ पता नहीं क्या है। आ गए भैया, लेट्स गो। हे प्रभु ख्याल रखना। ओ देखो भाई कितना सुंदर है, भाई कितना सुंदर है। बस भाई अब अनिल भैया आगे चले गए, अब मैं पीछे नहीं आने वाला, मतलब पीछे नहीं करने वाला अनिल भैया, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई बहुत सुनी, भाई बहुत सुनी, कुछ ज्यादा ही। कहाँ गलियों में घूम रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ये हाईवे ज्वाइंट हो गया, तो ये निकल गए बाहर, हम बाहर निकल गए, बाहर निकल गए, ये आ गया हाईवे। ये सही है, गली गलियों में से ना बढ़िया इजी बढ़ जाता है। खुजली हो गई। पोखरा जाते जाते हमें लगभग लग जाएंगे 10 घंटे, इतना तो मान के चल रहा हूँ। अभी 1 बज रहा है, तो 10 घंटे के हिसाब से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1 से 2, 2 से 4 से 5, 5 से 6, 7, 9 से 10, 11, 7, 4, 9 घंटे लगभग। तो देखते हैं 180 किलोमीटर 9 घंटे, इतना तो लगना ही है। और आज हमें पोखरा जैसे तैसे कैसे भी पहुँचना है, क्योंकि पोखरा जाने के बाद उसके बाद हमें 2-3 काम है, और उसके बाद हमें निकलना है मुक्तिनाथ के लिए। पूरा का पूरा ऑफ रोड है गाइस, और ये हम वहीं पहुंच गए जहां हम रुके थे ढाबे पे। इस साइड हम रुके थे, हम वहां से आए थे, तो अब देखते हैं हम किस साइड जाएंगे, क्योंकि यहां से 2 रास्ते घट रहे हैं। देखते हैं फिलहाल, तो हम सेम रास्ते पे जाना है क्या? तुम यहीं से तो आए थे, जो खराब रास्ता था पूरी जैकेट गंदी होगी, आज फिर गंदी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाईवे का काम चल रहा है, और बहुत ही ज्यादा काम चल रहा है, और बहुत ही तेजी से काम चल रहा है, तो आज फिर कपड़े गंदे होंगे, बहुत ज्यादा धूल लगेगी, और मुझे लग रहा है कि वार्मर पहनना पड़ेगा मुझे रास्ते में कहीं पे। एक तो यहाँ की नंबर प्लेट समझ में नहीं आ रही है मेरे को, क्या लिखा होता है ये 9909 लिखा है क्या? 9909, और ये 38, और आई डोंट नो 38 के बाद क्या है, 9294। ओ एम जी कॉमेट, ये देखो कितनी क्यूट गाड़ी है। ये तो अभी ऑफ रोड खत्म किया हमने, और वहीं कहीं से स्टार्ट हो गया था ऑफ रोड, और यहाँ तक था भाई, दुखी हो गए भाई। ये देखो हम शायद आए यहाँ से थे, जाए यहाँ से रहे मेरे ख्याल से, नहीं, हम यहीं से आए थे। वो टनल बन रही है ना, जहाँ पे मैंने तुम लोगों को टनल दिखाई थी, वही वाली रोड है। तो इस सबको कंप्लीट करके मिलता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को पता है हाल बहुत ज्यादा बुरा है भाई यहाँ की रोडों का ना, क्योंकि काम चल रहा है बहुत ही तगड़े वाला इस चक्कर में। कुछ दिख ही नहीं रहा आगे का, ट्रक आ रहा है क्या आ रहा है कुछ नहीं समझ आ रहा है, ट्रक का धुआं ऊपर से धूल भाई साहब। आलस आ रहा है यार, पर मैं आपको और खुंदस नहीं दिला सकता ना भाई। तो भाई फाइनली भाई अब हमने यू टर्न लिया है, एक ढाबा दिखा है, तो हमने कहा यहीं रोक लेते हैं, कुछ खा लेंगे, कुछ मिलेगा तो। दीदी आप सूख गया है ना, पहले गीला था थोड़ा सा, पर तो गीला कर दिया था इन्होंने। और हम वापस भी जा रहे हैं, वापस यहीं से तो गए कल, तो इधर से ही रास्ता है पोखरा का, से अलग होएगा पता नहीं अभी तो। जहाँ से हमने यू टर्न लिया था ना ऊपर चढ़ने के लिए, वहां से कटेगा। हाँ धूल तो काफी है, मेरी चेन तो ठीक है गीली है। अभी अपना लंच ओवर हुआ है, टाइम हो रहा है अभी 4 बज रहे, लगभग 6 घंटे लगेंगे हमें अभी जाने में पोखरा। और बाइक अपने लिए रेडी है, उन्होंने चेन लूप किया है, खाना वाना अपना डन हो गया, अब रुकने का तो कुछ है नहीं। 4 बजे ब्रेकफास्ट लंच का मिक्स करेंगे, ब्रंच करेंगे, तो कहाँ ही रुक पाएंगे फिर। वो देखो ऐसे आती है यहाँ पे बाइक ऊपर बांध बूंद के, 6 बजे तक यहाँ पे सूरज ढल जाएगा, सनसेट हो जाएगा, तो ऐसा करते जल्दी जल्दी कवर अप करते अपना। एक बार सामान चेक कर लूँ, फोन कैमरा वैमरा सब है, मोटो ब्लॉक के लिए है ही सब, लैपटॉप बैग में, लेट्स गो। हे प्रभु ख्याल रखना। तो यार मिट्टी बहुत ज्यादा है कसम से, पर कोई नहीं, अब जैसा भी है आप लोगों के सामने है। अब रास्ता कवर करना है भाई जितना हो पाए, क्योंकि लगभग अभी भी हमारा होगा डेस्टिनेशन लगभग 120-130 किलोमीटर, और हमें रोड का कोई आइडिया नहीं है, रोड कैसा है। ओ भाई अभी सूरज बिल्कुल आंखों पे लग रहा है, ब्लैक वाइजर काम आ रहा है, अब काम आ रहा है, धूल से भी काम आता है,
दिन में तो ठीक है, बस रात में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मुझे, क्योंकि लगभग सारे लोग हाई बीम पे चल रहे होते हैं, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को। बाकी तो सब ठीक है, इतना कोई इश्यू नहीं है। बढ़िया, पेट में कुछ जाता है ना तो एनर्जी आती है, अब एनर्जी है हमारे अंदर। पहले तो ऐसा लग रहा था आलस आलस सा कि क्या बाइक चला रहे हैं यार, ये क्या हो रहा है, ऊपर से मूड खराब हो गया था सभी का ही। अभी हम ले रहे हैं यहाँ से ड्रोन शॉट्स, तो मैं पुल दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, तुम कदम दबा के रख रहे हो, हल्के हल्के रखो, हल्के हल्के बिल्कुल ऐसे। वाह भाई वाह, इतनी बड़ी नदी है भाई, नीचे जाने का मौका मिलता ना तो उस साइड से जा सकते हैं, पर पुल से फिर वो लंबा पड़ेगा। अभी तो मैंने पाँव नहीं डुबाए इसमें ना, कितना सुंदर है यार। और लोहे का है ब्रिज ना, लक्कड़ का नहीं है, लक्कड़ का होता तो ज्यादा हिलता। मैंने ड्रोन शॉट लिया था और अनिल भैया ने मुझे भी ऑफकोर्स ड्रोन शॉट दिया। आई विश तुम लोगों को अच्छा लगा हो, अभी तक तुम लोग देख चुके होंगे। और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी राइड दोबारा, और अभी दिखा रहा है 5 घंटे 55 मिनट, मतलब लगभग 6 घंटे दिखा रहा है। और अभी टाइम हो रहा है 5:10, मतलब 6 घंटे के हिसाब से 5-5, 10 घंटे, रात में 11 बजे पहुंचेंगे, ऐसा गूगल मैप कह रहा है। क्योंकि अभी स्पीड कवर अप नहीं करी हुई हमने, जब स्पीड कवर अप कर लेंगे तब आराम से हम पहुंच जाएंगे 9 बजे तक आराम से, इतना कोई इशू नहीं है। यहाँ मिट्टी देखो भाई, पेड़ों पे भी मिट्टी लगी हुई है, इतनी मिट्टी उड़ती है। हम जाते टाइम ना हम इसी रास्ते से गए, काठमांडू से पोखरा जा रहे हैं सेम इसी रास्ते से हम गए, पर इतनी मिट्टी हमें जाते टाइम भी नहीं मिली थी जितनी टाइम अब वापसी आते टाइम मिल रही है, समझ रहे हो। और मिट्टी ऐसी जैसे धुआं हेलमेट के अंदर तक घुस जा रहा है, जैकेट के अंदर तक घुस जा रहा है, शायद मेरे तो पैंट के अंदर तक घुस गया होगा, पता भी नहीं। बस अब तो सूरज ढलने वाला है बस 1 घंटे में। ये वाली बाइक बड़ी प्यारी लगी यार मेरे को ना, ये देखो कितनी सेक्सी है भाई। ट्रक वो देखो भाई, खूबसूरत था सनसेट। को अभी नोटिस हुई, ये मेरी बाइक 77 किलोमीटर चल चुकी है और इसका सिर्फ एक डंडा गायब हुआ है अभी तक, जब से मैंने तेल डलवाया। मैंने काठमांडू में तेल डलवाया था और वहां से 77.6 किलोमीटर चल चुकी है जिसमें सिर्फ एक डंडा गायब हुआ है। भाई क्या हो रहा है ये मीटर को, इतनी माइलेज कैसे दे रही है ये एक डंडे में 100 किलोमीटर चलने वाली। चलो देखते हैं अगर मीटर सही होता है तो बताता हूँ, बाकी तो अभी रास्ता ऐसा ही है भाई, बोरिंग सा। ओ भाई साहब सामने देखना कितना खूबसूरत है, माउंटेन्स के वहां पे ऑरेंज कलर का जो शेड आ रहा है ना बाइक बोर्ड, कितना सुंदर लग रहा है। नरेश भाई क्या हाल है, बड़े दिनों बाद मिले। साहब देखो वो देखो वो वाला कह रहा था एक माउंटेन अकेला खड़ा है भाई बीचों बीच। तो भाई बच गए 6, हो गया अंधेरा, अब दिक्कत स्टार्ट हो गई है। टाइम अभी 6 नहीं बजे, 6:15 है वैसे, पर अंधेरा लगभग हो ही है। अब मैं वाइजर बंद नहीं कर सकता, चाहे मुझे धूल लगे, चाहे मुझे कीड़े लगे, चाहे मुझे हाई बीम लगे, चाहे मुझे लो बीम लगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो, पर मैं वाइजर बंद नहीं कर सकता। अब पानी पी लेते हैं, पानी है मेरे पास है। ये चाय पी लो, रुके हो तो आलस खत्म हो जाएगा। आपकी वो उसे क्या बोलते है जिसकी उम्मीद होती है कि ये मेरी उस पे उतरे, हिंदी वर्ड क्या होता है, हिंदी वर्ड क्या होता है जिसको उम्मीद होती है कि ये मेरी उस पे उतरे, उम्मीद पे खड़े उतरे। हाँ खड़े उतरे, तो हम आपकी खड़े उतरे हम आपकी उम्मीद पे। बिल्कुल, अब ठीक है। वही तो मैं बोल रहा था कैमरे पे कि इनकी ऐसी वाट लगा के लेके आता दिल्ली से, तो वो सही था। थोड़ा गुस्सा कम करा करो ना यार, चिल मारा करो बेटा, अब जब से करते ना गुस्सा। अभी एक ब्रेक लिया था हमने चाय का, और ये है रेनबो रेस्टोरेंट, यहाँ पे चाय वगैरह पिए बस, क्योंकि अंधेरा हो गया था यार, थोड़ी देर रुकना बनता है अंधेरे में। और अभी टाइम हो रहा है 6:30 और डेस्टिनेशन हमारी है लगभग 101 किलोमीटर अभी भी। तो हमें रात के 10 तो बज ही जाएंगे जाते जाते। हाईवे के सब सही से हो, सब सेफ रहे, बाकी ठीक है। बाकी अपनी बाइक अभी थोड़ी सी गंदी है, और मैंने फोन निकाला था, पता चला उसमें तो 1% बैटरी है, तो वो चार्जिंग पे लगाया मैंने, जब तक मैं जाऊँगा तब तक चार्ज हो जाएगा। हालत बहुत ज्यादा बुरी है बाइक की, वो तो सही है कि मेरे पास रेन कवर है तो ये ज्यादा सही रहता है, बस फिलहाल तो ये चलते धीरे धीरे। खरा लिखा हुआ है 92, गोरखा लिखा हुआ है 32 किलोमीटर गाइस अभी भी।
कितना टाइम हो रहा है, 7 बज गए भाई। हमें जाना पोखरा के लिए सीधा, यहाँ से हम शायद आए थे इतना मुझे याद है, शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि रास्ता तो सेम ही है पोखरा के लिए। हमें यू उल्टा लेना था और इस साइड ये पड़ा था। बस अभी 92 किलोमीटर है, 92 गाइस। अब देख लो तो सामने बस दिख रही है भाई, वो बस है यहाँ की लोकल, और वो देखो झरना दिख नहीं रहा होगा शायद झरना तो, पर वो बस है यहाँ की लोकल, ठीक है। उस बस ने हमें ओवरटेक किया भाई, मतलब मुझे किया, तब तो भैया थे नहीं यहाँ पे, मुझे किया। और भाई रे भाई, मैं बोलने का भी मन नहीं कर रहा है मेरा, इतनी मिट्टी उड़ रही है यार, फिर भी मोटो व्लॉग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बताओ आप क्या जान लोगे मेरी, कर दो। हो गया भाई, मिट्टी वॉश हो गया। अबे यार बहुत धूल उड़ रही है यार, रास्ते ऐसे खतरनाक है। वाइजर बंद कर रहा हूँ तो फोक जम जा रहा है इसमें, खुला रखा हूँ धूल आ रही है। ओ माय गॉड क्या रास्ता है भाई, आज का हाल बहुत ही बुरा होने वाला भाई। होटल रूम पहुँच के जो हमारी लगने वाली है ना, वो बस हम ही जानते हैं भाई। ठीक यार भाई, बहुत ही ये बहुत मिट्टी थी भाई, एक टाइम के बाद तो दिखना ही बंद हो गया था मुझे, मजाक नहीं कर रहा मैं, शायद गोप्रो पे भी लगी हुई होगी। एक सेकंड में साफ कर लेता हूँ। भाई रे, बीच बीच में पैच आ रहा है 500 से 600 मीटर का बस, मेरे को नहीं पता कितना, पर उतना ही आ रहा है, और बाकी रोड पूरा का पूरा ऐसा ही है टूटा फूटा। तो फाइनली 147 किलोमीटर हम चला चुके सुबह से, 5 किलोमीटर माइनस कर लो वो जहाँ से हमने पेट्रोल डलाया था, वहाँ से बात कर रहा हूँ भाई साहब। काठमांडू से पोखरा के बीच में ये लगभग 92 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे लिखा हुआ था 92 किलोमीटर वहाँ से स्टार्ट हुआ था, और बीच बीच में पैच है भाई, और उसके बाद अपने ये मिट्टी। आज हम डिनर नहीं करेंगे, आज हमने मिट्टी कर लिया। थंबनेल के लिए फोटो ले रहा हूँ। तो भाई अभी पुलिस वालों ने रोक लिया था, वो लाइटें वगैरह जला रखी थी ना हमने, फॉग लैंप वगैरह, तो वो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा लाइट होती है इस वजह से नेपाल में अलाउड नहीं है ये, तो ऐसा सीन है भाई। अरे यार शिट, गाली दे दी, बीप लगानी पड़ेगी। तो भाई मेरे GoPro की ना बैटरी डेड हो गई, और ये है मेरा दूसरा फ्यूल अप। और अभी हम कहाँ हैं भाई, अभी हमें डूरे, और ये कुछ फ्यूल आया मेरी बाइक में 1150 रुपए का। तो देखो अपना GoPro हो गया डेड, ठीक है, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है फोन के अलावा व्लॉगिंग करने के लिए। तो अभी हम एक साइड में ढाबे पे रुके हुए थे भाई, रोड के तो धजिया उड़ी हुई है कसम से, अभी बन रहा है ना तो बहुत ही ज्यादा खराब है, और ये पूरा पोखरा तक है, और यहाँ से लगभग अभी हमारा 50 किलोमीटर है पोखरा, और टाइम हो रहा है अभी 9:05, तो लगभग ये लगा लो 2 घंटे लगा लो 50 किलोमीटर के लिए, क्योंकि रोड ही ऐसा मतलब एक स्पीड का और अप नहीं कर पा रहे। मोटो व्लॉग होगा नहीं, कैमरे से जब रुकूंगा तब करेंगे, वरना रूम पे मिलेंगे। ये है पोखरा का मेन गोल चक्कर, और हम पहुंच गए पोखरा गाइस, और अभी टाइम हो रहा है 11:30। वो देखो पोखरा गाइस, अभी हम रूम में आ गए, और अभी चल रही साफ सफाई, क्यों, क्योंकि तुम लोगों ने देख लिया होगा भाई कि क्या हाल था रोड का, और उस हिसाब से तो हमारे कपड़े तो मैंने अभी साफ भी नहीं करे, सिर्फ चेंज करे आगे। अभी बैग हेलमेट वगैरह ही मैंने साफ किया है, GoPro भी बहुत ज्यादा मिट्टी में हो गया था, हेलमेट के अंदर अंदर से मिट्टी भर गई थी। ठीक है एक सेकेंड में इसे भी साफ कर लेता हूँ। हाँ तो देखो यार, अब इससे ज़्यादा लंबा खींचना व्लॉग मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, थका हुआ हूँ, खाना है, एडिट करना है, ठीक है, सबसे बड़ी बात एडिट करना है, खाना वगैरह भी चलता रहता है, कोई बात नहीं। और ये देखो बूट ने किया है लगभग कितने, सुबह 11 बजे से पहने हुए थे मैंने, एक बार भी खोले नहीं, वो गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। तो ऐसा करते हैं इस व्लॉग के लिए इतने रखते हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और ख्याल रखें अपना, बाय बाय। अभी सीन ऐसा है कि यहाँ पे फाइल ट्रांसफर चल रही है, यहाँ पे साफ सफाई चल रही है,
और वहाँ पे पावर बैंक चार्ज क्यों नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया पता नहीं। तो मिलते हैं गाइस, पीस आउट, टेक केयर।